लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने लोकसभा क्षेत्र में दौरा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर पहुंचे, जहां वह लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इसके बाद वह धौलपुर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने मालविया के बीजेपी में शामिल होने पर कहा, आप देख सकते हैं मालविया के साथ क्या हुआ, जिस व्यक्ति को 4 बार MLA, 2 बार मंत्री, 2 बार सांसद, पत्नी को जिला प्रमुख बनाया, अब मालविया किस धमकी में गए हैं, किस लालच में गए हैं, किस डर में गए हैं। वह पहले दिन कह रहे हैं मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, दूसरे दिन कहते हैं कांग्रेस राम मंदिर नहीं गई, तीसरे दिन कहते हैं उन्हें दिल्ली से पर्ची में धमकी आई कि आप इस तरह के बयान नहीं देंगे, फिर कह दिया कि मैं तो मोदी जी के विकास में विश्वास करता हूं, मैं मेरे इलाके का विकास करना चाहता हूं। जब से वह राजनीति में आए तो यही भाषण देते रहे कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विकास किया और बीजेपी ने कभी कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों की भलाई के लिए काम करती है। देश में ये जो हालात है, सभी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सभी के ऊपर एजेंसियों का दबाव चल रहा है, सीएम और मंत्रियों की न चलकर ब्यूरोक्रेसी की चल रही है। डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर कहा, सीएम का भाग्य पर्ची से खुला, सीएम सिर्फ भ्रमण कर रहे हैं, सीएम के भ्रमण के चक्कर में ब्यूरोक्रेसी क्या खेल रही है यह भी हमें देखना पड़ेगा। अब सीएम और मंत्रियों की न चलकर ब्यूरोक्रेसी की चल रही है, इन्हें सिर्फ भ्रमण करवाया जा रहा है, ये जनता के वोट के साथ अन्याय है। हर व्यक्ति की अपनी आस्था हो सकती है, मेरा तो नाम ही टीका राम है, नाम में ही राम है, इसमें कोई बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? कौन मंदिर जाएगा, कौन नहीं जाएगा? आपके मुख्यमंत्री जी जाते हैं, यहाँ अपने गिरिराज जी, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं, उनका परिवार परिक्रमा लगाता है, दंडोत्ती देते हैं, किसी से पूछ के देते हैं क्या? कांग्रेस से सर्टिफिकेट थोड़ी लेते हैं कि हमें जाना है कि नहीं जाना है, तो हम बीजेपी सर्टिफिकेट क्यों लें कि हमें मंदिर जाना है कि नहीं जाना है? हम तो कल भी राम मंदिर जाके आए दौसा के अंदर, अमर अध्यक्ष जी सब, तो ये कोई बात नहीं है, कोई उनके कहने से जाएंगे, उनके कहने से नाम रखे, उनसे कहने से नीति बनाए, ये बात कांग्रेस के खून में नहीं है। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो गोरों से नहीं झुके थे, इनसे क्या झुकेंगे? किसान नहीं दिख रहे जिनके हाथ में कुदाल है, जिसके हाथ में उसके खून, हाथ के अंदर जो उसकी रेखाएं हैं वो घिस चुकी हैं, वो किसान नहीं दिख रहा होगा जो वहां सर्दी के अंदर बैठा हुआ है। ये फोटो कौन उपलब्ध करा रहा है जो किसान की छवि को धूमिल कर रहा है, उसको आप आतंकवादी बता रहे हो? किसान ही तो है, रेंज रोवर में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, वो नहीं, वो दिख रहा है, लेकिन जो ट्रैक्टर में आ रहा है, पैदल आ रहा है, वो नहीं दिख रहा है। कुछ जबरदस्ती इस प्रकार की पिक्चर पेश की जा रही किसानों की कि किसान पैसे वाले हैं, रेंज रोवर में आ रहे हैं, रेंज रोवर वाला क्यों जाएगा वहां? करे कांग्रेस को अपनी मां कहे, कांग्रेस से सब कुछ प्राप्त करे, और वो अचानक अनर्गल बयानबाजी करके अगर उधर चला जाए तो अब पर्ची से ही गए होंगे। अब पर्ची किस तरीके की, आप पूछो बीजेपी में आ गए, आप मीडिया के लोगों, हमसे भी पूछो और उनसे भी पूछो कि भाई ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ मालवीय साहब कि आपको पता लग गया कि भाई हम अब हमको बीजेपी में जाना चाहिए, और बीजेपी में बीजेपी वाले जो मंत्री संतरी है इनकी भी पूछ हो रही, तो उनकी कौन पूछेगा? अमित शाह जी कहेंगे ना बीकानेर में कि आप गलतफहमी में हो, 25 साल में जो हमारी पार्टी में हैं उनकी भी हम नहीं सुन रहे हैं, तो ये जो आने वाले लोग इनकी थोड़ी सुनेंगे हम, ये तो इनका जमीर बिगाड़ रहे हैं भाई साहब। डिसिप्लिन है सर, 3 मंत्रियों को खड़ा रखा है स्टेज पे, अब वो तो आपको देखना है, आप में दम है तो उठाओ, हम तो बोल रहे हैं बेबाकी से, आप भी थोड़ा मीडिया भी ऐसे हिम्मत करके बताओ कि ये साहब गलत है, एक जनता का सीधा अपमान है, तो कहना चाहिए। थैंक यू।